Hello, assalamu alaikum, welcome back to my new vlog. I'll be the last one left when the lights go out. अभी कुछ टाइम पहले मैं सो के उठा हूँ तो मैंने देखा मौसम जो है ना यहाँ पे इतना कोई हैवी हुआ हुआ ना मौसम, तो मैंने कहा चलो जाते हैं बाहर राउंड लगा के आते हैं, देखते हैं मौसम कैसा है, क्योंकि खतरनाक मौसम हो ऐसा प्यारा मौसम हो तो घर बैठने कोई फायदा है नहीं। चलते हैं बाहर जाके मौसम शौसम भी देख लेते हैं थोड़ा, और जाके देख लेते हैं कि बाहर बाहर इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं, तो देखते हैं जाके क्या सीन है बाहर। तो चलते हैं आ जाओ। फिर बाहर बैठा गाड़ी में हूँ, मैंने कहा थोड़ी गाड़ी गर्म कर लें उसके बाद एक दफा निकलता है, क्योंकि गाड़ी बैठो स्टार्ट करो गाड़ी को लाने थोड़ी देर गर्म करना चाहिए। ठीक है, पूछा मैंने कुछ मौसम इतना कोई प्यारा हुआ बाहर, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, लाल सुर्ख बादल हुए हुए हैं और रात का टाइम है, 10 बजे हैं, लग नहीं रहा कि रात है, ऐसे लग रहा है शाम का टाइम है और हवा चल रही है तेज, और ऐसे मौसम में तो घर बैठना फिर बेमानी होगी ना। फिर बाहर बाहर जाके देखते हैं क्या हालात है। ठीक है जी, चलो चलते हैं फिर, आज के लोग यहीं से करते हैं स्टार्ट। हम लोग बाहर तो आ गए हैं, पार्किंग गई भी नहीं है, जहाँ मेरी फिर जो मोस्ट फेवरेट जगह है ना, कभी कभी यहाँ पे आके मैं अकेला बैठता होता हूँ, तो मैंने कहा आज वहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे पार्किंग ही नहीं है, बस जाते हैं देखते हैं। मैंने गाड़ी ऐसी लगा तो दी, अभी चलते हैं कॉफ़ी पकड़ते हैं, मेरा कॉफ़ी पीने का बड़ा मूड हो रहा है। जब ऐसा मौसम हो ना ठंडा, थोड़ा सा हवा चल रही हो, तो ऐसे मौसम में जो कॉफी पीने का मजा है ना, कॉफी पीते हैं जाके, कॉफी पकड़ते जा। मौसम चेक करें आप लोग, बस मौसम चेक करें, हमने इधर पार्क की है, यहाँ पे मैं जाना है अंदर, वहाँ से हम कॉफी पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये रोड क्रॉस करते हैं अभी चलते हुए, हो जाते हैं। हवा देखें, हवा का शोर तो आलू का आ ही रहा होगा, वो चेक करें जरा, हमने यहाँ पे जाना है। बस कॉफ़ी का हमने दे दिया है, कॉफ़ी हम पियेंगे एक यहाँ से पकड़ते हैं फिर चलते हैं। यार मौसम बहुत कमाल है भाई साहब, जो है कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, बाद कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी पकड़ने के बाद हम लोग जाते हैं अपनी मोस्ट फेवरेट जगह पे, के बैठते हैं, बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून वाली जगह है वो, बहुत पीसफुल है, तो बस कॉफ़ी पकड़ते हैं, कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं, इनके पास रश काफ़ी होता है, इनकी जो कॉफ़ी है ना बहुत मज़े की, और आइस वाली ठीक है, वो बहुत ही मतलब मेरी मतलब की है, मित्र अपने टाइप की है। ये हमारी कॉफ़ी आ गई है आइस घर में, ठीक है, बहुत मतलब मेरे मतलब की कॉफ़ी है। मौसम चेक करें आप लोग, बस बाहर मौसम जो है ना बहुत ही कमाल का हो गया। ठीक है, कॉफ़ी लेके अपनी जगह पे जाएंगे हम लोग, बस आ जाओ चलते हैं। व्यू चेक करें आप लोग पीछे इस साइड में, है ना मज़े का व्यू, लेट्स गो, शॉर्टकट मारेंगे अंदर से हम लोग, कौन सी ऊपर से घूम के आएगा, उफ बहुत तेज है हवा, देख रहे हैं हवा की आवाज आ रही होगी आप लोगों को, भागो। चेक करें भाई मौसम बड़ा हैवी हो गया है, जैसा मौसम है मुझे हॉट कॉफी लेनी चाहिए थी, मुझे कोल्ड कॉफी नहीं पकड़नी चाहिए थी, लेकिन मेरी फेवरेट है यही पियेंगे हम लोग। आ गई गाड़ी भाई, आ गई है, चलते हैं चलते हैं, इधर खोल के इसको पकड़ेंगे हम लोग, फिर बैठे कॉफी को करते हैं बंद, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये अंदर हमारी खुफिया जगह है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे। All right.
वाला एरिया मैंने बंद कर दिया, रेड लाइन दे दी इधर, क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब है तो पानी अभी ना पूरा बाहर का था, तो टोटली यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी वगैरह खड़ी हुई थी कि कोई यहाँ पे मत जाए। तो अभी थोड़ा मौसम ठीक हुआ है तो थोड़ी अभी अभी सिक्योरिटी अभी भी आगे खड़ी है उस साइड पे, उस साइड पे थोड़ा नीचे है, तो ये पूरा पानी बाहर था। और ये है इधर मेन रोड और उसके साइड पे सिटी स्टार्ट हो गई सारी, तो मौसम ऐसा ही है। तो इन्होंने यहाँ पे भी बंद किया हुआ था, तो अभी भी यहाँ पे एक दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, बस वो भी ऐसी हैं। यार देख सकते हैं ये पानी सारा इधर बाहर को आया हुआ था, और ये फर्श नीचे से अभी तक गीला है, ये समुद्र का पानी पूरा इधर बाहर था। और वो देख सकते हैं कोई भी नहीं आसपास, और ये पूरा इन्होंने रेड जोन एरिया किया हुआ था। अभी थोड़ा मौसम बेहतर हो गया तो अभी इन्होंने ये ओपन एरिया दोबारा से कर दिया, बाकी बस मौसम ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे आप लोग सामने मौसम देख सकते हैं, रात को ऐसे जो घूमने का मज़ा है ना, सुकून, इसका अपना अलग मज़ा होता है। ठंडी हवा चल रही है, मौसम प्यारा है, पीछे सी व्यू है, ऐसा मौसम यहाँ पे बहुत कम होता है, और जब होता है तो ऐसा हैवी होता है ना कि इनको वार्निंग दी हुई उन्होंने कल की कि एहतियात करें, ज़्यादा बाहर मत निकलें, और जो है स्कूल्स उन्होंने बंद कर दिए दो दिन के लिए, इतना मौसम यहाँ पे भी ख़राब है। आप लोगों को मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, हवा का शोर ज़्यादा पीछे ज़्यादा होगा क्योंकि हवा है इतनी तेज़, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। यार व्यू चेक करें आप लोग पीछे, बस आए 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 मैं ना अभी गुजरा था यहाँ से अभी कुछ टाइम पहले, दो दिन की बात है, दो दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे ना इवेंट चल रहा था बड़ा अच्छा, फेस्टिवल चल रहा था, बच्चों का भी था और फूड फेस्टिवल भी चल रहा था, बड़ी प्यारी सेटिंग की हुई थी इन्होंने यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ से गुजरा था, मैंने देखा वो पूरा सब कुछ जो है ना ख़त्म हो चुका है, मतलब हवा शवा जो आई थी, आंधी शांधी जो चली थी ना, थंडर स्टॉर्म जो आया था यहाँ पे, वो थंडर स्टॉर्म की वजह से और इतनी तेज़ हवा थी उसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। अभी मैं ना आप चल के दिखाता हूँ आगे, मैंने कहा ये भी थोड़ा दिखा दूँ आप लोगों को कि मौसम यहाँ पे वाकई बहुत ख़राब था। इन्होंने बाकायदा तौर पर वार्निंग दी हुई थी यहाँ पे, को वार्न किया हुआ था, और कुछ स्कूल भी बंद थे दो दिन, जैसे कोविड में हुआ था वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन, तो उस तरह का दो दिन काम चलता रहा यहाँ पे। लेकिन बस अब थोड़ा बेहतर है, हालात नॉर्मल हो गए हैं, मौसम भी थोड़ा बेहतर हो चुका है। अभी मैं चलता हूँ आगे, उस साइड पर जगह है, उस साइड पर ना आगे वालों को दिखाता हूँ, ऐसे वीरान हुई हुई है ना कसम से, जैसे पता नहीं यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे क्या हो गया था। वालों को दिखाता हूँ मैं, और वो वीडियो भी दिखाता हूँ जो दो दिन पहले मैंने आया था यहाँ पे, तो वो वीडियो मैंने बनाई हुई थी, वो वीडियो भी दिखाता हूँ ये जगह पहले कैसी थी और अब कैसी होगी सिर्फ दो दिन के अंदर। ये देख रहे हैं आप लोग, ये पूरी जगह वीरान सुनसान हो गई है, फेस्टिवल जो लगे हुए थे सारे, जो फूड कॉर्नर वगैरह लगे हुए थे ना, स्टॉल्स वगैरह, वो सारे ख़त्म हो गए हैं। ये चेक करें आप लोग, सारा सब कुछ ख़त्म। वो आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, तो मतलब इतना बुरा यहाँ पे दो दिन जो है ना मौसम हो गया था, वार्निंग अलर्ट दे दिए थे सबको, वो देखें सब ख़त्म है सब। ये इधर भी इस जगह पे भी थे स्टॉल्स वगैरह, और सेटिंग भी बहुत प्यारी बैठने की, सब ख़त्म है, आप देखें पूरा ख़त्म। ये बच्चों का था इधर बाउंसिंग लगा हुआ था, वो सिक्योरिटी वाले भी खड़े हैं वहाँ पे ताकि कोई अंदर आए ना ज़्यादा, सामान उनका भी है थोड़ा बहुत। ये हालात देखें हम लोग, ये देखें, ये चेक करें, ये पूरा आगे पीछे हो गया वह हवा से, ये देख रहे हैं सब कुछ। तो ये हालात है यहाँ पे भाई साहब, ये देखें ख़त्म पूरा टोटली। ये साइड में पार्किंग है सारी, तो ये फुल थी उस दिन, तो ये पूरे बंद हैं अभी। ये देखें कुछ इन्होंने पहले भी बंद कर दिया हुआ, और कुछ वैसे भी पूरा मौसम की वजह से इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन जो उस साइड पे आया वो तो टोटली डैमेज हो चुका है पूरी तरह से। ये है
बहुत प्यारी लोकेशन थी, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। लेकिन चलो मेरा सारा ख़त्म बंद पूरा। ये है वो जगह जो मैं अभी आपको पहले वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो ये दो दिन पहले हालात यहाँ पे इस तरह के थे। इन्वायरमेंट चेक करें, बहुत प्यारा इन्वायरमेंट बना हुआ था यहाँ पे। तो लेकिन अब आप देख सकते हैं अब कैसे हालात हैं यहाँ पे। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। आज का व्लॉग हम लोग करेंगे एंड एक अच्छी एडवाइस, अच्छी बात के साथ। आज की अच्छी एडवाइस या अच्छी बात कह लो, यही है कि यार हमेशा आप लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करते रहा करो। देखो प्लानिंग्स करने में ना कोई बुराई नहीं है, ठीक है, उसको अचीव करने में भी कोई बुराई नहीं। अपने एम गोल सेट करने चाहिए आपको लाइफ में। जैसे मैंने था, मुझे बड़ी उम्मीद, मैंने कहा काफ़ी वेट किया था इस इवेंट का, तो मैंने कहा आएगा हम जाएंगे, बढ़िया टाइम से वेट किया था। पहले ईद से पहले होना था, फिर ईद हॉलीडेज आ गई, उसकी वजह से कैंसिल हो गया। अब ईद के बाद उन्होंने कर दिया। दो ईमेल मुझे ये आई थी पोस्टपोन की, अब थर्ड मेल मुझे आई है कि टोटल तीन मेल पोस्टपोन की मुझे आ गई हुई हैं अभी तक। तो वरना इन्हीं डेज में वो इवेंट होता, मज़े का इवेंट था, मैंने उसका वेट बहुत किया था असल में। तो दो फेस्टिवल थे, ठीक है, एक इवेंट था, हाँ एक फेस्टिवल तो ये था, इसमें तो हम आए थे। लेकिन जो हमें इनविटेशन आया था ना, जहाँ से जहाँ हमने जाना था, जहाँ हमने कवरेज करनी थी पूरी, तो वो कैंसिल हो गया। तो बस आप लोग करते रहा करो प्लान्स वगैरह, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। इसमें भी कोई बेहतरी होगी तो ये सोच आपकी होनी चाहिए कि जो चीज़ आपकी कैंसिल हो रही है या फिर वो मतलब आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ हो रहा है उसमें अल्लाह की बेहतरी है। तो ये बिलीव आपका होना चाहिए। जब ये बिलीव आपका ईमान ये होगा, फिर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाएंगी। अल्लाह तुमने ऐसा क्यों किया, गिले शिके लेके ना बैठ जाया करो फजूल में, हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है। बस आज के लोग हम लोग करते हैं यहीं पर एंड, आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस जी चलते हैं अब वापस, बड़ा टाइम भी हो गया अब, ठीक है जी। बस हम जा रहे हैं वापस गाड़ी, गाड़ी मैंने किधर पार की थी, इस साइड पर थी, उस साइड पर थी, उस साइड पर थी, मैं दरे लेने आ रहा हूँ। तो बस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता गाड़ी किधर पार्क है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बस हम चलते हैं वापस, आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।